दोस्तों, इससे पहले हमने तीन वीडियोस ऐसे देखे थे जहाँ पर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस ली थी, उनकी जर्नल एंट्रीज बनाई थी और फिर उनको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया था। और इस वीडियो में हम जो है वो इन लेजर्स की बैलेंसिंग करने वाले हैं और इनके लिए एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। आप ये जो 14 नंबर ट्रांजैक्शन है, बायस गुड्स फ्रॉम मिस्टर एस फॉर कैश ₹5,000, इसे 5,000 की जगह हम 500 कर देंगे। तो ये 500 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 500 और यहाँ पर भी 500 कर देंगे। एक्चुअली मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शंस लिखते समय ज़्यादा प्लानिंग से तो लिखी नहीं थी, और बाद में मैंने देखा कि अगर हम इसे 5,000 पे रखें तो हमारी कैश में रिसीट से ज़्यादा पेमेंट्स हो जा रही हैं। मतलब हमने रिसीव किया कम और पेमेंट कर दी ज़्यादा, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हमें घटाकर कम करनी पड़ेगी। एक तो कैश अकाउंट में कर दी और एक परचेज अकाउंट जो है यहाँ पे भी इस 5,000 को ₹500 कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये सारी लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही है, मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। पहले दोनों साइड्स का हमें टोटल करना है। तो आइए देखते हैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। 18 प्लस 5 23,000, 23,500 और 400, 23,900। तो डेबिट साइड का टोटल है 23,900, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मैंने पहले से कर रखा है। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 21,000। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है, जो कि है आपका 23,900, तो उसे हम दोनों साइड में लिखेंगे। यहाँ और यहाँ मैंने एक लाइन खींच दी, और यहाँ लिखेंगे 23,900, यहाँ भी लिखेंगे 23,900। और उसके बाद जो डिफरेंस है दोनों का, 23,900 और 21,000 का जो डिफरेंस है वो है आपका ₹2,900। तो इस ₹2,900 को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो इस साइड को बैलेंस करने के लिए हम 2,900 यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और हम डबल लाइन से अकाउंट्स क्लोज कर देंगे और इस बैलेंस को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,900। तो ये तो हो गई कैश अकाउंट की बैलेंसिंग। अब हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इसके तो क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही एंट्री है, तो ये 18,000, इधर भी 18,000, अकाउंट क्लोज किया, यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरेड डाउन 18,000, और ये बैलेंस को यहाँ खींच लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, फर्नीचर अकाउंट। इसमें भी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, तो काफ़ी सिंपल है बैलेंस करना। 5,000 इधर भी, 5,000 इधर भी, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ बाय बैलेंस कैरेड डाउन 5,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, और इसको यहाँ कैरी करके ले गए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। तो इसकी भी बैलेंस आ गई। आगे चलिए देखते हैं रेंट अकाउंट। ये भी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, 600 इधर भी 600, और यहाँ पे होगी बाय बैलेंस कैरेड डाउन 600, और इसे इधर पुल कर लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। अब आइए परचेज अकाउंट देखते हैं। परचेज अकाउंट की टोटल आ रही है 7,500, इधर भी लिख देते हैं, दोनों को डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं अकाउंट, और यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7,500, और यहाँ खींच के ले आते हैं बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। आइए आगे बढ़ते हैं। पी एन कंपनी अकाउंट की दोनों तरफ 7,000 है, तो इसकी कोई बैलेंस नहीं आएगी क्योंकि अकाउंट नलीफाई हो गया है। 7,000
7,000, इधर भी 7,000 थी। हमने पीएन कंपनी से 7,000 रुपये की परचेज की थी और बाद में उसको 7,000 रुपये पे कर दिए थे, तो इससे हमारा जो है वो हिसाब खत्म, अकाउंट क्लोज, इसकी कोई बैलेंस नहीं आनी है। सैलरी हमने 2,500 रुपये दी थी, तो सैलरी अकाउंट की बैलेंस जो है वो 2,500 रुपये आएगी। दोनों साइड्स मैंने टोटल लिख दी, यहाँ बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,500, और इसे नीचे खींच के ले आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500। आइए अगली अकाउंट देखते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 3,200 प्लस 400 हो गए 3,600, इधर भी लिख देता हूँ 3,600। अब यहाँ कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, इसलिए बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन 3,600, और इसे यहाँ खींच के ले आते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,600। सिमिलरली लोन फ्रॉम एन अकाउंट, देखिए लोन फ्रॉम एन अकाउंट की भी कोई बैलेंस नहीं आएगी क्योंकि हमने 5,000 रुपये उससे कैश में लोन लिया था और उसके बाद उसे 5,000 रुपये लोन लौटा दिए, तो लोन लिया फिर लोन चुका दिया, हिसाब खत्म, कोई बैलेंस नहीं बचा, अकाउंट क्लोज्ड। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हमने 350 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की थी, तो इसकी भी 350, 350 यहाँ आएगी बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 350, और यहाँ टू बैलेंस, सॉरी यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन होगी, और यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 350। मिस्टर बी अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट हमारा कस्टमर था, इसे हमने 3,200 रुपये के गुड्स बेचे थे जिसमें उसने 500 रुपये रिटर्न कर दिए और 500 रुपये कैश पे किए, तो उसे अभी हमें कितने देने हैं चलिए देखते हैं, बैलेंसिंग करने से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 3,200 रुपये इधर, 3,200 रुपये इधर, अब 3,200 से अगर 1,000 माइनस हो जाए तो होता है 2,200, तो हुआ बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,200, और इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,200। अब इस बैलेंस का मतलब जानने की अगर आप कोशिश करें तो इस बैलेंस का मतलब ये है कि मिस्टर बी से अभी भी हमें 2,200 रुपये मिलने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट की बैलेंस है 50 रुपये, यहाँ पर लिख लेते हैं 50 50, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50 रुपीज़, और टू बैलेंस, सॉरी फिर से गलती हो गई, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50 रुपीज़, और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 50 रुपीज़। यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट है, मिस्टर बी ने 500 रुपये की गुड्स लौटाई थी, तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था तो टोटल तो 500 ही होगा बोथ साइड्स में, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर 500 रुपये, और यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपये। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पर माइन्यूटली, तो आप देखेंगे कि एसेट्स जो है और एक्सपेंसेस जो है उनकी हमेशा डेबिट बैलेंस होगी, कैश एसेट है उसकी हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगी डेबिट साइड में, क्योंकि कैश आप रिसीप्ट से ज़्यादा कभी खर्च नहीं कर सकते, इसलिए कैश की हमेशा डेबिट बैलेंस होगी। उसी तरह फर्नीचर भी देखिए एसेट है, उसकी भी डेबिट साइड में बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटीज़ जो हैं जैसे कि कैपिटल, उसकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इनकी हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, और लाइबिलिटीज़ इनकम्स एंड गेन्स इनकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो अगर कहीं पर आपको एक कैश अकाउंट लिख दिया रहे और उसका बैलेंस लिख दिया रहे और ये मेंशन नहीं किया हुआ रहे कि वो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप ऑलवेज यही अज्यूम कीजिए कि वो डेबिट बैलेंस है। इसी तरह अगर किसी लाइबिलिटी की कोई बात नहीं की हुई रहे और आपको लाइबिलिटी की सिर्फ बैलेंस बता दी हुई रहे और ये नहीं बताया जाए वहाँ पे कि लाइबिलिटी की बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप हमेशा ये माने कि उसकी क्रेडिट बैलेंस ही है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ और इनकम्स और गेन्स की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो ये सारी अकाउंट्स तो हमने बैलेंस कर ली हैं, अब
ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है और इसमें जो है हम एक एक करके सारी बैलेंसेस को लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले चलिए कैश अकाउंट की बैलेंस देखते हैं क्या थी। कैश अकाउंट में हमें 2,900 रुपये बैलेंस मिली थी, तो यहाँ लिखते हैं, मैं दूसरे कलर में लिखूंगा, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट एसेट है, डेबिट साइड में बैलेंस आई थी, एसेट्स की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो यहाँ लिखेंगे 2,900। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश अकाउंट के बाद थी शायद कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैपिटल अकाउंट जो है इसकी क्रेडिट बैलेंस थी 18,000। तो कैपिटल अकाउंट तो एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, तो लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। और चूंकि ये लायबिलिटी है इसकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगी, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 18,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट एसेट है, एसेट्स की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, यहाँ भी देखिए डेबिट बैलेंस है, तो चलिए ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में 5,000। आगे देखते हैं क्या है। फर्नीचर के बाद है रेंट अकाउंट डेबिट में 600 और परचेज अकाउंट डेबिट में 7,500। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो 600 रुपये डेबिट बैलेंस है, और परचेज भी एक एक्सपेंस है, उसकी भी हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो 7,500 रुपये। तो इन दोनों को लिख डालते हैं, रेंट 600 और परचेज 7,500। रेंट अकाउंट 600 और परचेज अकाउंट 7,500। चलिए आगे देखते हैं। रेंट और परचेज तो गई, अब पी एन कंपनी अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो पी एन कंपनी अकाउंट की तो हमने सेटल कर दी थी, इसकी कोई बैलेंस नहीं है, तो इसकी ट्रायल बैलेंस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। और सैलरी अकाउंट जो है ये एक एक्सपेंस है, तो इसकी हमेशा डेबिट बैलेंस होगी, तो इसकी डेबिट बैलेंस है 2,500। तो सैलरी अकाउंट की डेबिट बैलेंस है 2,500 और सेल्स अकाउंट जो इनकम है उसकी क्रेडिट बैलेंस है 3,600। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस है 2,500 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, कितनी थी सेल्स में क्रेडिट बैलेंस, 3,600 रुपये। 3,600। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम एन अकाउंट जो थी उसमें तो हमने 5,000 रुपये लोन लिए थे, फिर 5,000 रुपये चुका दें, तो हिसाब बराबर, इसकी कोई बैलेंस नहीं बची, तो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, उसकी डेबिट बैलेंस है 350 रुपये, और मिस्टर बी हमारा कस्टमर है तो एसेट है, उसकी डेबिट बैलेंस है 2,200 रुपये। इन दोनों को भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मिस्टर बी अकाउंट, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 350 और मिस्टर बी अकाउंट 2,200, शायद 2,200 ही थी, एक बार चेक कर लूँ, मिस्टर बी अकाउंट 2,200। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो अकाउंट्स और बची हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, उसकी डेबिट बैलेंस है 50 रुपये। देखिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो इंटरेस्ट अकाउंट की बैलेंस है 50 रुपये। और सेल्स रिटर्न, सेल्स एक इनकम है, इनकम्स की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो सेल्स रिटर्न जस्ट उसका उल्टा हुआ, उसकी डेबिट बैलेंस होगी। तो इंटरेस्ट की 50 रुपये डेबिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न की 500 रुपये। इंटरेस्ट की 50 रुपये और सेल्स रिटर्न अकाउंट की 500 रुपये। अब चलिए दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। तो अगर आप इस डेबिट साइड को टोटल करें तो टोटल आएगी आपकी 21,600, और क्रेडिट साइड को भी अगर टोटल करें तो भी आपकी टोटल आएगी 21,600। इसका मतलब प्राइमा फेसी ये प्रूफ हो गया कि हमने सारी जो जर्नल एंट्रीज पास की थी,
ये जो सारी जर्नल एंट्रीज पास की थी, फिर इनकी जो लेजर पोस्टिंग जो यहाँ पे की थी वो सारी सही थी, इसीलिए हमने एक जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो ऑटोमेटिकली टैली हो गया। तो ये तो था बहुत छोटा सा एक प्रॉब्लम जिसमें मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की पहले जर्नल एंट्रीज़ की, फिर लेजर पोस्टिंग की, और फाइनली जो है वो ट्रायल बैलेंस में उन्हें पोस्ट करके आपको दिखाया कि पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।